फ्रेंड्स, वहाँ से हम मल्टी वेंडर ई कॉमर्स की टोटल से चल रही है, तो ऐसा कि हम कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इसके प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया था। आज हम कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उन्हें हम शो करवाएंगे। तो हम जैसे यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड, और जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए काउंट बढ़ चुका। तो इस तरीके से हमारे जो भी प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं वो हमारे कार्ट में ऐड होते जा रहे हैं। तो अब हमें इन्हें डिस्प्ले कराना है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमें डेटाबेस की टेबल में हमने स्टोर किए हुए हैं, तो हम डेटाबेस की टेबल पर चलते हैं। तो ये डेटाबेस हमारा ओपन हो रहा है एंड उसके बाद हमें यहाँ पर मिलेगा। तो हम चलते हैं यहाँ से हमारे माइप के अंदर प्रो, और यहाँ पर है हमारा डेटाबेस। और डेटाबेस के अंदर जो हमारी टेबल है वो है एड टू कार्ट। तो एड टू कार्ट हमारी टेबल है, और एड टू कार्ट टेबल के अंदर देखिए ये 6 और ये 2 हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे हमें यहाँ पर शो करवाने हैं कार्ट में। तो सबसे पहले हम लेआउट डिज़ाइन करेंगे हमारे जो कार्ट है उस पर प्रोडक्ट किस तरह से दिखेंगे, देन उसके बाद हम इसे डायनेमिक करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर एक लिंक बनाएंगे। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे हमारी हेडर फाइल। तो हम ओपन कर लेते हैं हमारा एडिटर। ओपन करते हैं हमारी फाइल। व्यू और हम जाएंगे यहाँ पर इंक्लूड्स और हेडर डॉट पीएचपी, और इसे यहाँ से हम करते हैं स्क्रॉल। और यहाँ पर हमने कार्ड का जहाँ पर साइन लगाया था तो हम देख लेते हैं। तो ये लॉगिन है, तो कार्ट का अकाउंट हमने यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारा कार्ट है, तो इसे हमें एंकर टैग लेना होगा। ये वाला देखिए कार्ट इन्फो है, और यहाँ पर हमने क्वांटिटी ली है, और यहाँ पर हमने इस क्वांटिटी को शो करवाया है। तो इस एल आई के अंदर यहाँ पर हम लगाएंगे एंकर टैग, और उसको एच आर ई एफ देंगे। एको बेस यू आर एल, ये हमने यहाँ पर यू आर एल बनाया। देन होम स्लैश, और यहाँ पर हम देंगे कार्ट डिटेल्स, देन सेव करेंगे। और यहाँ पर हम सबसे लास्ट में स्पेन के भी बाद यहाँ पर हम इसे करते हैं क्लोज, और अगेन हम इसे का आउटपुट देखेंगे। हम करते हैं इसे रिलोड, और अगेन हम यहाँ कर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पर नई URL पा रहे हैं। तो अब हम इसे होम कंट्रोलर के अंदर इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो हम चलते हैं होम कंट्रोलर पर, और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम पब्लिक फंक्शन, देन यहाँ पर देंगे एको कार्ड डिटेल। तो हमें पता चलेगा कि हम प्रॉपर फंक्शन पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए कार्ड डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है, तो हम इस फंक्शन पर आ चुके हैं। अब इस फंक्शन पर हमें डिज़ाइन करना है, तो इसका हम ऊपर से लेआउट कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर हम व्यू का नाम चेंज करेंगे, यहाँ देंगे कार्ड डिटेल्स, और इसे सेव करेंगे हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में व्यू फोल्डर के अंदर। और यहाँ पर हम करते हैं डॉट पीएचपी, देन अगेन अगर हम अब रिलोड करते हैं तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास हेडर है, देन फुटर है, और बीच का सेक्शन हमारा एम्प्टी है। इसके अंदर हमें इसे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट करेंगे क्लास कंटेनर कंटेनर, और देन सेव, और इसका आउटपुट देखेंगे। तो देखिए ये हमारा कंटेनर आ रहा है। अब इस कंटेनर के अंदर हमें लेआउट बनाना है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे डिव क्लास रो, देन डिव क्लास कॉल sm-12, और यहाँ पर हम इसके अंदर बनाएंगे, हमें शो करवाना है। तो हम एक रो के अंदर बनाएंगे, सबसे पहले एक टू में इमेज के लिए ब्लॉक होगा, देन उसके बाद एक हम बनाएंगे फोर का जिसके अंदर नाम होगा, देन उसके बाद आएगा एक वन का जिसके अंदर क्वांटिटी है, देन प्राइस और टोटल प्राइस। तो ये हमारे पास आ चुके हैं इसमें, और सबसे लास्ट में एक होगा एक्शन का। तो हम यहाँ देखते हैं, तो 6
सेवन एट नाइन और टेन, हमारे पास टेन ब्लॉक हो चुके हैं। अभी हम इसे देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसे इंक्रीज़ कर लेंगे यूज़ के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले यहाँ पर इमेज होगी, तो हम एक प्रोडक्ट की डमी इमेज ले लेते हैं, यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम स्टैटिक बना रहे हैं, इसलिए डिज़ाइन के लिए हम यहाँ से इमेज का यूआरएल कॉपी करना है, कॉपी। और हमारे इस यहाँ पर देंगे हम img, और यहाँ यूआरएल पेस्ट करते हैं, देन क्लास कार्ट img, देन इसके बाद हम यहाँ देंगे पी टेक के अंदर प्रोडक्ट वन कार्ट प्रोडक्ट टाइटल, देन यहाँ पर हम देंगे वन क्वांटिटी, सो यहाँ पर हम दे देते हैं प्राइस 500, और यहाँ पर हम दे देते हैं क्वांटिटी टू, तो यहाँ हो जाएगा 1000, प्राइस क्वांटिटी टी प्राइस, देन यहाँ पर हम देंगे डिलीट का बटन पी, और इस पर क्लास देंगे btn btn हाइफन डेंजर, और यहाँ पर देंगे एक्स, तो इससे ये क्रॉस का ऑप्शन होगा। और अगेन इस पेज पे चलते हैं हम, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर विजिबल हो रहा है। जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो रही है, तो हमें सबसे पहले इमेज के लिए विड्थ हाइट सेट करना होगी। तो हमने जो इमेज पर क्लास दी है उसका यूज़ करेंगे हम कार्ट इमेज से, और यहाँ पर देंगे और इसकी देंगे विड्थ 100 पिक्सल, देन विड्थ न्यू देंगे विड्थ 100 पिक्सल, और मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, देन इसको हम कॉपी करते हैं और हमारी स्टाइल फाइल में पेस्ट करेंगे। तो ओपन करते हैं हमारी स्टाइल फाइल, तो हम चलेंगे टूल्स के अंदर css, देन यहाँ पर हमने जो फाइल बनी स्टाइल डॉट css, तो इस पर जाकर यहाँ हम करते हैं पेस्ट, देन इसके बाद इसे भी सेट करना है हमें, तो यहाँ पर हम देंगे इसे मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर देंगे, और इसे भी करते हैं हम कॉपी, देन अदर जितने भी हमें उस पर भी यही की ही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करना है, तो इससे हम नंबर ऑफ टाइम करेंगे पेस्ट और चेंज करेंगे, तो सेकेंड है प्राइस क्वांटिटी, और ये है हमारे पास टी प्राइस, देन सेव करते हैं, और इसका हमें कॉलम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, जो टाइटल वाला सेक्शन है इससे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो 4 का है तो इसे कर देते हैं हम 6 से, और रिफ्रेश करेंगे तो इसकी हमारे पास css अप्लाई नहीं हुई थी, सुबह हम हार्ड लोड करेंगे तो इससे हमारी जो css है वो आ जाएगी। सेव करते हैं हार्ड लोड, तो देखिए जो भी हमने css अप्लाई करी थी वो सब आ चुकी है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है प्रॉपर आ रहा है। अगर हम इसे कॉपी करें शो को नंबर ऑफ टाइम, देन फ्रेश, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे प्रोडक्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है। देन सबसे लास्ट में हमें एक और बटन बनाना होगा, तो यहाँ पर आएंगे ड्यू क्लास रो ड्यू क्लास 12, और यहाँ देंगे बटन क्लास btn btn हाइफन इन्फो, और इसमें होगा कंटिन्यू, और इसे कर देंगे हम फ्लोट राइट, जिसमें ये राइट अलाइन हो जाएगा बटन,
रिफ्रेश। तो ये देखिए बटन हमारा इटालियन हो चुका है और इसमें थोड़ा सा मार्जिन बॉटम हो 4 पिक्सल का दे देते हैं। देन अगेन करते हैं इसे रिफ्रेश, तो ये 4 पिक्सल का मार्जिन बॉटम आ चुका है और हमारे जो भी प्रोडक्ट है सारे हमारे प्रोडक्ट ना शो हो रहे हैं और उसके बाद ही हमारा कंटिन्यू का बटन है। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में इतने ही, इसके आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसे डायनेमिक करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे सारे टॉय एक्सेसरीज भी देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट के सोर्स कोड भी अवेलेबल हैं, तो आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।